राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। मौजूदा दौर में जिसे देखो वही साइकिल पर सवार होता जा रहा है। मंगलवार को भी सिदौली विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने राम नरेश रावत सहित उनके दर्जनों समर्थकों को सिटी पावर हाउस स्थित कार्यालय पर प्राथमिक सदस्यता दिलाई। हालांकि इन सभी को पूर्व विधायक मनीष रावत की उपस्थिति में सदस्यता लेनी थी, परंतु वह किन्हीं कारणों से पहुंच नहीं पाए। सदस्यता ग्रहण करने के बाद राम नरेश व उनके समर्थकों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में आस्था जताते हुए 2022 में सपा सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का संकल्प लिया। सदस्यता ग्रहण करने वालों में राम नरेश के साथ संजय गुप्ता, मोहम्मद समी, बसंत रावत, जगन्नाथ रावत, कल्लू रावत, देशराज रावत, पूर्व प्रधान शत्रुघ्न रावत, मनीष तिवारी, मयंक शुक्ला, अंकुर तिवारी, रोहित त्रिवेदी, सुरेंद्र रावत, अंकित यादव आदि शामिल रहे। इस अवसर पर जिला महासचिव मसूद आलम, कार्यालय प्रभारी जयसिंह यादव, प्रवीण सैनी, जिला सचिव चंद्रशेखर यादव, पंकज यादव, मुकेश तिवारी, गौरव शुक्ला, राजकिशोर गौतम, अनुराग यादव, कमलेश कुमार, मोहम्मद नादिर, अभय प्रताप आदि मौजूद रहे। सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने आई इंडिया को बताया कि समाजवादी पार्टी में तमाम दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। जी बताएं। आज समाजवादी पार्टी में सिधौली विधानसभा से राम नरेश रावत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और बसपा और भाजपा को छोड़कर आज समाजवादी पार्टी के लोग जो 15-20 लोग हैं वो सदस्यता ले रहे हैं, और कल भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि देकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसी समाजवादी पार्टी कार्यालय में इन सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज विपक्ष, आज हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं और ये संघर्ष में साथ देने के लिए हम लोगों के साथ में आए हैं। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से सभी सरकार से त्रस्त है जनता, और इसलिए बराबर सिलसिला जारी है। अनवरत लोग यहाँ उत्तर प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी में तमाम दलों के नेता शामिल हो रहे हैं, और हमारे भी जनपद में इसी क्रम में कल भी शामिल हुए लोग, आज भी शामिल हो रहे हैं, और कल भी लोग शामिल के लिए भी हम लोगों के पास फोन आए। तमाम लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इससे लगता है कि जालिम सरकार से सब जनता त्रस्त है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।